वेरी गुड इवनिंग गाइस। आज हम आए हैं यहाँ पर आरजी कॉम्प्लेक्स से कुछ ज़्यादा, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ग्रेट पंजाबी ढाबा, और आप ये सामने देखिए फूरन के साथ में सेक्टर 14 बोलते हैं इसको यहाँ पर। अभी हम आपको ले जाएंगे यहाँ पर ग्रेट पूरन ढाबा। इनका क्या है, काफ़ी चीज़ें फेमस है नॉन वेज आइटम्स में। तो जैसे कि अभी हम आरजी कॉम्प्लेक्स में अंदर, मार्केट कॉम्प्लेक्स है ये, और मार्केट कॉम्प्लेक्स में ये आपको ले जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये है पंजाबी ढाबा, द ग्रेट पंजाबी ढाबा एंड कैटरर्स, वन ऑफ द फेमस शॉप्स इन सेक्टर 14, प्रशांत विहार के बिल्कुल एडजेसेंट। यहाँ पर सेंट मार्गरेट स्कूल है बिल्कुल साथ में, और ये खाना इनका इतना ज़बरदस्त यहाँ पर है, और हम काफ़ी टाइम से ले रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर इनके पास वेज एक्सप्रेस थाली, दाल मखनी और काफ़ी सारे आइटम्स हैं। मैं आपको इनको शॉप दिखाता हूँ अंदर से, और यहाँ पर ये काफ़ी सारे आइटम हैं, और वन ऑफ द डिलीशियस फूड इन नॉर्थ दिल्ली, राइट। आप कुछ भी लीजिए यहाँ से, फिश लीजिए इस टाइम, दिस इज समवेयर इन द मंथ ऑफ नवंबर, और नवंबर में आपको फिश मिलेगी, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। और यहाँ पर ये ओनर है मिस्टर केतन, और केतन अभी हमें बताएंगे। मगर एक मैं केतन आपका शॉप का अंदर से व्यू दे देता हूँ, दो मिनट आपसे बात करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी स्विगी और इसमें डिलीवरी, बिजी आदमी है केतन, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑर्डर्स वगैरह स्विगी और जोमेटो वगैरह में सारे ऑर्डर वगैरह। और मैं जैसे खाने की बात करूँ अगर, तो खाना काफ़ी फेमस है यहाँ पर। मलाई चाप रोल आ रहा है, क्या नाम है आपका? अजय कुमार जी यहाँ पर गैस को ऑर्डर बना रहे हैं। और ये देखिए इन्होंने पूरा सेटअप वगैरह लगाया हुआ है यहाँ पर, सारी चीज़ें देखने के लिए मॉनिटर वगैरह। और उसके बाद आपको ये देखिएगा अलग अलग सेक्शन में यहाँ पर, जैसे कुछ नॉन वेज सेक्शन है, कुछ वेज सेक्शन है, और ये वन ऑफ द डिलीशियस फूड। ये क्या बना रहे हो आप? पालक पनीर। अच्छा, ये पालक पनीर का प्रिपरेशन है, जिसमें अभी ये पालक तैयार कर रहे हैं और उसके बाद पनीर बनेगा, है। वेरी गुड, ये पनीर है बिल्कुल फ्रेश आइटम, फ्रेश है बिल्कुल फ्रेश, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ देखिए ये बिल्कुल फ्रेश पनीर, और डेली सुबह से स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए ये भाई साहब पालक पनीर का, और मक्खन देखिए, मक्खन एक जबरदस्त तरीके से डाला गया है, वेरी गुड। ये कितना होगा मक्खन? 50 ग्राम, 100 ग्राम, है 100 ग्राम मक्खन एक डिश में, वेरी गुड। तभी ये की है एक तरीके से देखिए। और उसके बाद यहाँ पर ये क्या बन रहा है? ये राइस। राइस, अच्छा ये राइस है बिरयानी के लिए, अच्छा वेरी गुड, ये बिरयानी के लिए राइस है। और यहाँ पर ये नॉन वेज काउंटर जहाँ पर ये सारी चीज़ें, और ये देखिए ये यहाँ पर एक मतलब फेमस शॉप्स का जो ये तंदूर है, तो तंदूर में क्या बना रहे हो भाई साहब? ये बटर नान लगा रहे हैं। ये बटर नान वगैरह है जो बिल्कुल इंडियन तंदूर, ये लेमन चिकन टिक्का अभी निकला, वेरी गुड। और ये सारे चिकन के यहाँ पर लगाए हैं। आप क्या कर रहे हो भाई साहब? स्नैक्स लगा रहे हैं ये सर, स्नैक्स लगा रहे हैं। और ये तंदूर का पूरा इंचार्ज देखते हैं, यहाँ पर मक्खन देखिए, और ये देखिए ये पूरा आटा वगैरह और ये सब चीज़ें। और उसके बाद ये वन ऑफ द वेरी गुड डिलीशियस फूड्स है यहाँ पर मिलता है। और उसके बाद केतन आ गए हमारे पास, और केतन सर आप ये बताइए कि आपने यहाँ पर नॉर्थ दिल्ली में, हाँ नॉर्थ रोहिणी में, रोहिणी साइड में काफ़ी फेमस आपका खाना, काफ़ी दूर दूर से आते हैं, हम लोग भी काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, राइट। अभी आपने हमारे को फिश खिलाई है, वन ऑफ द मज़ेदार मज़ेदार फिश, तो आप कुछ क्या बताएंगे अपने स्टोर इधर यहाँ पर शॉप के बारे में? ये स्टोर हम ऑलमोस्ट 7.5 ईयर्स हो गए हम रन कर रहे हैं। ये पहले हमारा डीसी चौक पे था, सेक्टर 9 में। नाउ वी आर शिफ्टेड टू प्रशांत विहार आरजी कॉम्प्लेक्स 2, एंड वी आर सर्विंग द सेम गुड फूड दैट वी आर सर्विंग बिफोर, एंड व्हाट एल्स यू नो। इसके अलावा आप ये बताइए कि आपकी मेन यहाँ पर डिश क्या है, अगर आप हमको अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को बोलना है सर, मेन डिश वी हैव गुड मटन रोगन जोश, वी हैव चिकन कीमे वाला, मटन रोगन जोश, आई कैन वेट कि मटन रोगन जोश इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिशेज, अगर यहाँ पर कोई आए तो वो ज़रूर ट्राई करेगा। साथ में
रोटी के साथ था, लच्छा परांठा एंड रोटी, करारी रोटी, करारी रोटी, वेरी गुड वेरी गुड। और क्या है इसके अलावा? ये चिकन कीमे वाला, चिकन कीमा वाला, यस। अच्छा अच्छा। और हमारे यहाँ की स्पेशली है हांडी चिकन है, हांडी चिकन, यस ठीक है, बटर चिकन, ठीक है, चौल, ठीक है, वेरी गुड। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको, केतन साहब ने बताया कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 7.5 ईयर्स है, 7.5 ईयर्स, और उसके बाद पहले इनका DC चौक में था तो हम वहाँ पर ही खाते थे, उसके बाद इन्होंने शिफ्ट करा तो हमें यहाँ पर आना पड़ता है और अब यहाँ पर आकर के खाते हैं, और हम ही नहीं काफ़ी लोग यहाँ पर खाते हैं आपके पास, तो वेरी गुड। तो इसके अलावा और जैसे कि हम देख सकते हैं केतन साहब बिजी भी बहुत हैं अभी इस टाइम में, तो इवनिंग टाइम्स आज मंडे है, और उसके बाद और जो है कुछ और डिशेज वगैरह बताइए जो भी है यहाँ पर, आप ट्राई करिए सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अभी कुछ कस्टमर्स वगैरह की लाइन भी लगी हुई है, आपको दोबारा थोड़ी देर में अपडेट दूंगा यहाँ। थैंक यू। और इसके साथ साथ जैसा कि मैं बता रहा था, यहाँ RG कॉम्प्लेक्स के साथ साथ हम लोग यहाँ पर एक दूसरी जगह आई हैं जो कि है एग शॉप, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मेरी वाइफ वेजिटेरियन है, तो हम ये दोनों साथ साथ फैमिली का एक वो बन जाता है। तो मैं अभी आपको दिखाऊँगा एक वन ऑफ द बेस्ट शॉप्स फॉर अंडा ऑमलेट। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं अंडे की, अभी आपको दिखाता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ लोगों की खाते हुए, और उसके बाद आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पर ये शॉप है, और इस शॉप में क्या है बहुत सारी चीज़ें। नाम क्या है? अमित कुमार। और ये वो का है भाई साहब? भाई साहब वो घर पे है, घर पे। अच्छा, तो ये हमें अंडा ऑमलेट वगैरह बहुत टाइम से खिला रहे हैं। मेन्यू दिखाइए, मेन्यू मेन्यू। तो ये देखिए आप यहाँ पर मेन्यू लिखा, इनके पास अंडे के अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, चाहे चाइनीज बोलो, चाहे ऑमलेट बोलो, चाहे एग भुर्जी बोलो, सब चीज़ें मिल जाएगा। और यहाँ पर नाम है डीलक्स बटर ऑमलेट राधे श्याम। राधे श्याम जी अभी है नहीं यहाँ पर, ये राधे श्याम जी, मगर वन ऑफ द टेस्टिएस्ट ऑमलेट्स का। और इनके पास काफ़ी बढ़िया सेटअप वगैरह बना हुआ है, अगर आप देखो यहाँ पर ये पूरा एरिया। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको प्रशांत यहाँ का एरिया है, और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ दिखेंगी। और ये देखिए, ये मैं आपको शॉप दिखाता हूँ, डीलक्स बटर ऑमलेट सिचुएटेड इन RG कॉम्प्लेक्स प्रशांत विहार सेक्टर 14। तो ये है यहाँ पर सारा बढ़िया फूड पॉइंट, और उसके बाद मैं आपको दोबारा कवर करेंगे इसमें और दिखाएंगे आगे कि क्या क्या है यहाँ पर आसपास जगहें, और ये सब दिखाएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच।